हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ, विषय हिंदी, पाठ संख्या थर्ड, साना साना हाथ जोड़े। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि लेखिका किस तरह लायों की शाम और सवेरे का वर्णन करती है, कि वहाँ का वातावरण कितना मनमोहक लगता है। लेखिका ने वहाँ की महिलाओं को देखा कि वो किस तरीके से वो मेहनती हैं, काम कर रही हैं, पहाड़ी महिलाओं को देखा, ठीक है। फिर लेखिका ने क्या, लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गई। वातावरण में शांति छाई हुई थी, शाम ढल रही थी, मंद मंद वायु में पेड़ पौधे हिल रहे थे, नदी की कल कल ध्वनि के साथ मंदिरों में बजती घंटियाँ और आकाश में छाए बादलों से ढका चांद, पक्षी और मनुष्य घरों को लौट रहे थे। लेखिका भावुक हो उठी। उसने नदी के पानी से अंजलि भर ली और मन ही मन प्रार्थना की कि उसके मन की सारी मलिनताएं उस धारा के साथ बह जाएं। लकड़ी के बने छोटे से विश्राम गृह में जितेन गाने की तेज आवाज़ पर नाचने लगा और धीरे धीरे सारे यात्री उसके साथ घेरा बनाकर नाचने लगे। लायुंग की सुबह शांत और सुंदर थी। लेखिका अकेली टहलने लगी। उसे वहाँ बर्फ देखने की उत्कंठा थी, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। वहाँ एक सिक्किम युवक ने उसे बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ गिरना कम होता जा रहा है। उसने कहा कि बर्फ देखनी है तो कटाव पहुँचो। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा कि अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप कहाँ जाओ, कटाव। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लेखिका, उन्होंने क्या कहा कि आपको कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब इससे आगे देखिए, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि बेटा पेज संख्या 25 पैराग्राफ नंबर 3, वहाँ पर घूमते हुए एक सिक्किम युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो मुझे वहाँ शार्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। लेखिका क्या कह रही है, लेखिका को सिक्किम के एक युवक ने बताया कि अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप कटाव जाओ। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में अर्थात चर्चा में, ठीक है। लेखिका क्या कह रही है कि मुझे क्या सलाह दी गई कि मैं कटाव को देखने जाऊं, ठीक है, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव को लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ खा लिया। मीठी मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव देखिए, जहाँ लेखिका कटाव 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़ घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर नज़र पड़ी
बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अर्थात लेखिका कह रही कि हम जिस मार्ग पर जा रहे थे वो बहुत ही मतलब कठिन मार्ग था, सुनसान मार्ग था, और जगह जगह ये लिखा हुआ था कि अपने व्हीकल को धीरे चलाओ। ठीक है, करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं और न ही इतना सुंदर है। देखिए, कटाओ जो जगह थी उसे क्या लेखिका को क्या बताया गया था, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेकिन लेखिका जब वहाँ पहुँची और क्या बोल देखती हैं कि उसकी सहेली कहने लगी वो स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी और उसने क्या कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतना ऊंचाई पर नहीं है और इतना सुंदर नहीं है जितना ये जगह। देखिए, कटाओ अभी बेटा टूरिस्ट पैलेस नहीं बना था उस समय तक, तो ज़्यादा चर्चा में नहीं था। अब टूरिस्ट पैलेस नहीं था तो वहाँ पे प्रदूषण भी नहीं था, लोगों का आना जाना नहीं था, तो जगह भी साफ सुथरी थी, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं था। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ। लेखिका कह रही है पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ ऐसे लग रही थी जैसे अभी किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर डाला हो, पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई पर कहीं वह धूप में बह गई। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह। सब और गिरी हुई बर्फ में जीप की खिड़की में मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी कि लेखिका नेपाल की भाषा बोलने लगी, चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। ठीक है, लेखिका ने कहा ना राम रोचो, राम रोचो ना बहुत अच्छा, तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊचू, तुम्हारा प्यार मुझे रुलाता है, चहूँ और बिखरी है बर्फीली सुंदरता। जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी, प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाना गाने लगा वह। हम सभी सैलानी जब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे तो वहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे का रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे और पांव छन छन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन होना तद मन बहुत अधिक खुश हो रहा था, भीतर जैसे देवता जाग गए हों। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देख लूं। कौन कह रही? लेखिका, लेखिका, क्योंकि लेखिका को वहाँ मेन बर्फ देखने के लिए ही इतनी दूर आई थी। और तभी जी भर के देख लूँ, मन कर रहा था मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। ठीक है, मैंने चाह कि किराए पर ले लूँ और पर कटाओ युमथांग और जागू लेक की तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, इस कारण यहाँ
जागू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लेखिका कह रही है कि मैं फ़ोटो खींचने के बजाय अपने अंदर उस सारे दृश्य को खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में वह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का मां मंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कोंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी इसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, ठीक है, पूरे एशिया के में देखो प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए तब त्राही त्राही मचाती है, तो यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर सूखे कंठों को तरावत पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। किनका ख्याल आ गया? वो सुंदर सी पहाड़ी महिलाएं थी, नाजुक कोमल हाथों से पहाड़ों में वो काम कर रही थी, चट्टानों को तोड़ रही थी, मजदूरी कर रही थी। तो लेखिका कह रही है, अचानक से मुझे उनकी याद आई और मेरा दिल बहुत अधिक द्रवित हुआ, मन दुखी हुआ। मणि, मुझे उनकी याद आ गई, आत्मा को की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। उस समय बोले, मैंने उससे कहा कि आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। मेरी बेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा, ठीक है, वापसी किया पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में भी हमारे ये जवान पोष और मात में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तथा हमारे जो ये फौजी हैं, जो सैनिक हैं, कि हम मार्च अप्रैल के महीने में भी हम यहाँ पर ठिठुर रहे हैं और ये भरी सर्दी में ठीक पेट्रोल के अलावा यहाँ कुछ नहीं जमता, और जिन सकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरते भर हमारे प्राण काम उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद में पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था।
बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। अब देखिए वापसी की यात्रा, लौटते समय लेखिका क्या कह रही है, लौटते समय जितेन लेखिका को तरह तरह की जानकारियां देता रहा। उसे बताता रहा कि वहाँ पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पद चिन्ह अंकित हैं। आगे एक स्थान की ओर संकेत करते हुए उसे कहा कि वे खेदुम कहा जाता है। उस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो भी वहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। लेखिका ने पूछा, क्या तुम पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो वे जीभ निकाल कर बोला सिक्किम के लोग पर्वतों झरनों की तो पूजा करते हैं। जितेन ने बताया कि गैंगटोक नहीं, गंतोक असली शब्द है। गैंगटोक नहीं बल्कि असली शब्द क्या है, गंतोक, जिसका अर्थ पर्वत होता है। ठीक है, गंतोक अर्थात पर्वत। उसने कहा कि युमथांग को पर्यटक स्थल बनाने में भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता का बड़ा योगदान था। और जीप आगे चलती है। ठीक है बेटा, जीप पर बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार बाटा जगाती है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें तरह तरह की जानकारियां देते रहे। ठीक है, बताते रहे कि ये पहाड़ नदी झरने, हम इन यहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं, यहाँ गैंगटोक इतना सुंदर है, गैंगटोक नहीं, लेखिका ने गैंगटोक कहा तो उसने क्या जवाब दिया, गैंगटोक नहीं गंतोक, गंतोक का अर्थिक असली मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गए। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्टॉप बनाया। देखिए टूरिस्ट स्टॉप बनाने वाले का नाम क्या था, यहाँ पर शेखर दत्ता। ठीक है मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया। अभी देखिए आप रास्ते बन रहे हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ती गई। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, इस चैप्टर को आज अच्छे से, इस वीडियो को सुनना समझना, कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट जरूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।